चुनावी एजेंडा है उनका। हो सकता है ये भी उनका समीकरण हो कि किसान आंदोलित हो और वो आके बोल देंगे कि 24 में हमको वोट दे दो और हम आएंगे तो आपका सारा मान लेंगे। ऐसे तो ड्रामेबाज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कभी भी अपना नाटक का सिलसिला जब पहले अग्रेसिव करेंगे, किसानों को हत्या होगा, किसानों को बुलेट चलवा रहे हैं, किसानों पर रबर बुलेट चलवा रहे हैं, कैनल चलवा रहे छिड़कवा रहे हैं, पानी का बौछार दिलवा रहे हैं, कीले इतने कीले तो आतंकवादी के लिए नहीं हमारे देश में लगा जो किसानों के, क्या किसान 145 करोड़ देश के जनता नहीं है कि प्रधानमंत्री का अहम और अहंकार जिस तरह से बढ़ते जा रहा है अपने भाइयों के साथ। अरे दिल्ली उनका भी है, हमारा भी है, सबका है, अधिकार है, दिल्ली आ रहे हैं तो आने दो, आ रहे हैं आप अपने मुद्दे को उनको सुनो, वो क्यों नहीं आ सकते हैं दिल्ली? दिल्ली उनका नहीं है क्या? दिल्ली सिर्फ आपका है? आप इतने बड़े करिश्माई प्रधानमंत्री हैं, सब कुछ कर दे, आपके फोन पर आतंकवाद रुक जाता है, दूसरा देश लड़ रहा है वो झगड़ना बंद हो जाता है, आपके फोन पर मणिपुर नहीं शांत हो पाया, आज तक मणिपुर गए नहीं। राहुल एक रमक है, दमक छोड़ जाएंगे, डूब भी गए तो महक छोड़ जाएंगे, सिर्फ कागजी अपवाद से क्या होता, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता। तो जिस तरह से नियत और नीति सही हो तो देश का उद्धार और व्यवहार और हमारा खत्म कर दिया देश को चौकीदार, इसको बना दिया व्यापार, अब नहीं चलेगी इसकी सरकार, क्योंकि 24 में आ रहे हैं राहुल जी के रूप में नया अवतार। खू आती है ऐसे देश के प्रधानमंत्री को जो हमारे देश के लायक और देश के खेतियर किसान पर श्रमिकों पर जिस तरह से आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, हाई कोर्ट ने भी कहा कि वो देश के अंग है, वो क्यों नहीं जा सकते हैं दिल्ली? सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। देखिए किसान इस देश के अन्नदाता है, प्राणदाता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार कहती है मैं किसानों का सपना दिखाया था 2022 में दुगनी आय का, और स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रहे हो, लेकिन उनके किए गए कामों को, उनके उल्लेख को, उनके बनाए हुए रास्ते को अपना नहीं रहे। उन्होंने जो किसानों को MSP लागू करने की बात कही थी उसको लागू नहीं किए, उनको भारत रत्न, उनको कैसे खुश होगा उनका आत्मा, कैसे वो खुश होंगे कि भारत रत्न देने का तुम कल्पना कर दिए दे रहे हो, और लेकिन उनके किए गए कार्यों को उल्लेख जो किसान के हितकारी योजना था आज तक स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू क्यों नहीं हुआ? 2.5 साल पहले जिस तरह से 13 महीना तक 770 किसानों के शहादत के बाद 3 काले कानून प्रधानमंत्री लेके आए थे, और 3 काले कानून की वजह से हमारे शहादत दिए 770 किसानों, जिसको शहीदों का दर्जा के लिए उन पे लगाई गई केस को हटाने के लिए, ये सब मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जी कहे आज गुरु नानक जयंती है, संकल्प लेता हूँ 3 कानून तो हटाए, अब बोले मैं जल्दी कमिटी बना के MSP के साथ आपके साथ आता हूँ, लेकिन ये चुनावी एजेंडा है उनका। हो सकता है ये भी उनका समीकरण हो कि किसान आंदोलित हो और वो आके बोल देंगे कि 24 में हमको वोट दे दो और हम आएंगे तो आपका सारा मान लेंगे, हम मान लेते हैं, ये भी कह सकते हैं। ऐसे तो ड्रामेबाज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कभी भी अपना नाटक का सिलसिला जब पहले अग्रेसिव करेंगे, किसानों को हत्या होगा, किसानों को बुलेट चलवा रहे हैं, किसानों पर रबर बुलेट चलवा रहे हैं, कैनल चलवा रहे छिड़कवा रहे हैं, पानी का बौछार दिलवा रहे हैं, कीले इतने कीले तो आतंकवादी के लिए नहीं हमारे देश में लगा जो किसानों के, क्या किसान 145 करोड़ देश के जनता नहीं है कि उनके बीच के हमारे 40% आबादी जो किसानों का है, युवाओं का देश है, वहां इस तरह का अत्याचार दुराचार ये नहीं करेगा स्वीकार जनता। अब की बार आपका बदलाव जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री का अहम और अहंकार जिस तरह से बढ़ते जा रहा है अपने भाइयों के साथ। अरे दिल्ली उनका भी है, हमारा भी है, सबका है, अधिकार है, दिल्ली आ रहे हैं तो आने दो, आ रहे हैं आप अपने मुद्दे को उनको सुनो, वो क्यों नहीं आ सकते हैं दिल्ली? दिल्ली उनका नहीं है क्या? दिल्ली सिर्फ आपका है। तो इसलिए देश का जनता का दुर्भाग्य कि ऐसे सत्ता में बैठे अहंकारी सरकार जिस न किसान का है। हम मोदी जी कहते हैं हमारे 5 बिरादरी है, किसान, श्रमिक, महिला, युवा और गरीब, ये 5ों धोखा खा रहे हैं। श्रमिक को 44 से 4 कोर्ट कानून बदल दिया गया, 12 घंटा श्रमिक काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा जितना 8 घंटा का, ताकि श्रमिक 12 घंटा काम करके घर जाएगा, सो जाएगा, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए समय नहीं मिलेगा, उसका भी बेटा यानी लेबर का बेटा लेबर ही बने, यही सोच रखे हैं प्रधानमंत्री, कभी इंजीनियर, डॉक्टर और IAS IPS न बन पाए, ये सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री का है। अमीर को लोन माफ कर देते हैं बैकडोर से, गरीब किसान रोज आत्महत्या कर रहा है, मैं कह रहा है मेरा लोन माफ करो, तो उसके लिए आप GST ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, उसके लिए लोन नहीं माफ करते हो। बड़े पूंजीपतियों का लोन माफ करने के लिए देश के जनता से पूछते हैं क्या प्रधानमंत्री जी?
अडानी अंबानी का लोन माफ करने के लिए, जी न्यूज के मालिक का माफ करने के लिए, चाहे आपके मित्र जो भगेड़े थे उनका पैसा आप तो राम जी को ला सकते हैं, राम जी को तिरपाल से घर में घुसा सकते हैं, तो क्या वो आतंक जो भले के पैसा देश का नीरव मोदी चौक से और मोहिल चौक से और सारे लोग भागे थे विजय माल्या वगैरह, तो उनको क्यों नहीं ला रहे हैं भाई? आप इतने बड़े करिश्माई प्रधानमंत्री हैं, सब कुछ कर दे, आपके फोन पर आतंकवाद रुक जाता है, दूसरा देश लड़ रहा है वो झगड़ना बंद हो जाता है, आपके फोन पर मणिपुर नहीं शांत हो पाया, आज तक मणिपुर गया नहीं, जैसा जघन्य अपराध होते जा रहा है देश में, आपके ही कार्य क्षेत्र में बहन खड़ी है महिलाओं का सुरक्षा के बारे में, इनसे पूछिएगा कि बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से दुराचार गन पॉइंट पर भारतीय जनता पार्टी का नेता लोग करता है और उसके बाद 60 दिन तक चुनाव प्रचार करता है फिर आके मीटिंग करता है, ऐसे अतताई देश का जो प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, और देश का दुर्भाग्य ऐसे सरकार और शासन में बैठे जो किसान के हितकारी, मजदूर के हितकारी, महिला सुरक्षा और गरीब और युवाओं के रोजगार की बात करके बड़े बड़े बातें करके आए थे प्रधानमंत्री। भाइयों बहनों मित्रों परिवारजनों, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा, 15 लाख खाते में, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, ये बातें होते रहता है, जनता के विश्वास को भ्रम फैलाकर धर्म का अफीम चटाकर लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटने का जो रणनीति तैयार किया गया, ये जात पात भेदभाव, हमारे कर्नाटक के बहुत भाई बैठे हुए हैं, हमारे तमाम अंडमान निकोबार कई स्टेट से लोग आए हुए हैं, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ही 138 साल पुरानी पार्टी है जो गरीबों की बात करती है, श्रमिकों और मजदूर। हमारे नेता राहुल गांधी जी बोले कि हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले बोले, और जो बोलते हैं वो होता है। हमारा मित्र भी जाना है सब भी, राहुल गांधी जी कोरोना काल में पहले बता दिए पार्लियामेंट में कि 3 महीना पहले कि ये होने वाला है। अभी जो आप देखे होंगे कल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, हर मुद्दे पर तो कांग्रेस के इलेक्ट्रल पे अपना प्रधानमंत्री जी को पहले चेताने वाले हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी, चाहे ATM के बारे में बोले थे अटैच टू PM, तो वो भी पेटीएम हो, ATM पेटीएम सब पे बोले हैं, पेटीएम को भी बोले pay to PM, तो वो भी साबित हो गया, प्रधानमंत्री उसको बंद करा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बैंड का बात हुआ कि ये घोटाला होगा, चुनाव आयोग से लेके सुप्रीम कोर्ट को जागना पड़ा, तो हमारे राहुल गांधी दूरदर्शी नेता हैं, देश के 140-145 करोड़ जनता के विश्वास हैं, इंदिरा के पोते राहुल राजीव जी के बेटे हैं, राहुल एक रमक है, दमक छोड़ जाएंगे, डूब भी गए तो महक छोड़ जाएंगे, सिर्फ कागजी अपवाद से क्या होता, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता, तो जिस तरह से नियत और नीति सही हो तो देश का उद्धार और व्यवहार और हमारा खत्म कर दिया देश को चौकीदार, इसको बना दिया व्यापार, अब नहीं चलेगी इसकी सरकार, क्योंकि 24 में आ रहे हैं राहुल जी के रूप में नया अवतार, क्योंकि जो गुणवत्ता है, जो कहता है वो करता है, कभी नहीं डरता है, सीना तान कर आंख में आंख डालकर लोगों का, बहन का, भाई का, मजदूर का, किसान का आवाज उठाता है, वो तो न्याय के लिए निकला है, न्यायपालक है, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। आप तमाम जनता, देश के 145 करोड़ जनता, देश के जिस लोकतांत्रिक और संविधान को बचाने के लिए राहुल जी निकल पड़े हैं, आप साथ दो, परिवर्तन करो, उसके बाद विकास देखो। 13 महीना तक किसान बैठे थे, कांग्रेस बैठाया था, किसान बैठे थे जिसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, क्या क्या नाम दिया गया, जिन पे जिस तरह से बुलडोजर चढ़ाने का काम किसानों पर किया जाता। आज अगर किसान देश का 145, वहां कौन सा हमारी सरकार है, पंजाब में, हरियाणा में किसकी सरकार है जहाँ के किसान बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है जहाँ के किसान बैठे हैं, और मंत्री कह रहे हैं कि लाल किला से जो है राष्ट्रध्वज नहीं करने देंगे, इस बार राष्ट्रध्वज नहीं उतारना, कोई किसान, कोई उग्रवादी किसान नहीं, आतंकवादी किसान है, अरे अन्नदाता है, प्राणदाता है यार, उनके बेटा सुरक्षा करता है सीमा का, और वो सुरक्षा करते हैं हमारे पेट का, उस अन्नदाताओं के साथ आप बौछार कर रहे हैं, आतंकवादियों का व्यवहार कर रहे हो, थू आती है ऐसे देश के प्रधानमंत्री को जो हमारे देश के लायक और देश के खेतियर किसान पर, श्रमिकों पर जिस तरह से आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने भी कहा कि वो देश के अंग है, वो क्यों नहीं जा सकते हैं दिल्ली, हरियाणा का हाई कोर्ट कहा और पंजाब का हाई कोर्ट, उसके बाद उनको जिस तरह से खीला ठोक कर, तो वो भी 24 में खीला ऐसा ठोक देंगे कि ये नहीं आ पाएंगे। अब श्रमिक और किसान और युवा तीनों, महिला सब इनसे हो गया लाचार, अब बंद हो गया इनका व्यापार। एक किसान की मौत हो गई, हाँ मैं जान रहा हूँ, एक किसान का परसों मौत हो गया, जिस तरह से बुलेट से एक का आंख नहीं, आंख भी फूट गया, और 100 किसान बहुत घायल हैं, और जिस तरह से बता ही रहा हूँ कि ये कोई किसान है, अन्नदाता है, कोई ये आतंकवादी नहीं, जो व्यवहार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार, ये देश के
किसानों, मजदूरों और युवाओं के लिए ठीक नहीं है। महिला सुरक्षा की बात वो लोग करते हैं, महिला यानी पढ़ाओ बेटी बचाओ,